नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई मालदीव से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, मालदीव में आपको पता है एक ट्रेंड सा चल रहा है यार, मालदीव का, पुर्तगाल का, या फिर इन कंट्रीज में अभी ज़्यादा माहौल भी बन रहा है। बहुत सारे लोगों के ऑफर लेटर आ रहे हैं, लोग जाना भी चाहते हैं, इंक्वायरीज भी इन कंट्रियों की आती है कि सर हमें ये भेज दो। सस्ता गेम बताते हैं कि भाई थोड़ा सा काम हो जाता है, यानी दुबई से भी सस्ता पड़ जाता है, आप समझ सकते हैं, वो भी वर्क परमिट वीज़ा, सैलरी आपको डॉलर में मिलती है। यूरोपियन कंट्री टाइप के देश हैं, एकदम ठंडा इलाका है, समुद्री इलाका वगैरह वगैरह, तो एक यूरोपियन कल्चर को सोचते हुए लोग भी सोचते हैं कि यार हम इन कंट्री में चले जाएँ। तो फिर आपको पता है एक माहौल बन जाता है, फिर लोगों के जितने रुझान जिस तरफ से होते हैं ना, उसी तरफ की एजेंटों के पास वैकेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। ये एक प्रकृति का नियम आप मान सकते हैं एजेंटों का। तो यहीं पे एक मेरे पास एक ऑफर लेटर आया है, इसमें अंदर जाके घुसा, अंदर जाके चेक किया, तब एक जगह नाम लिखा हुआ था मालदीव, बाकी और ऑफर लेटर में कंपनी का एड्रेस है, देश का नाम ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश का आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है उस देश का नाम नहीं है। नीचे एक पन्ने में ऑफर लेटर में एड्रेस आता है, उसमें उसको ब्लर करने की कोशिश की गई है ताकि बंदा उसको पढ़ ना पाए या वहाँ पे कॉन्टेक्ट ना कर पाए। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन का जो बताया गया बंदे को $350 में सैलरी बताई गई है। जी हाँ, खर्चा की बात करें तो मात्र 65,000 यानी मात्र 65,000 खर्चा लगेगा, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। करना यही है, ऑफर लेटर आते ही आपको 10,000 रुपये ऑफिस में जमा करवा देने हैं, बस यही है। 2 साल का वर्क परमिट रहेगा, 1 साल का हम आपको अग्रीमेंट देंगे 1 साल का, बाकी आगे आप एक्सटेंड इसको करवा सकते हैं। इस तरह से इस ऑफर लेटर में बताया गया है। बंदे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, मैंने इसको देखा, सोचा, समझा, उनसे बात हो गई, उनको बता दिया, समझा दिया, तो चलो पैसा तो बंदा नहीं देगा, क्या देने की ज़रूरत भी है। बाकी आपको भी देख लेना चाहिए कि ये ऑफर लेटर इस तरह से आता है क्या, सोचने की बात है। वीडियो तो आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो ऑफर लेटर स्क्रीन के माध्यम से आप देखते रहिए, आगे हम बात करते हैं। ये है ऑफर लेटर, आप ऊपर से शुरुआत करोगे तो कुछ उर्दू टाइप का लिखा हुआ है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिखा हुआ है, टोटल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन इसमें दे दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें नहीं तो कोई देश का नाम है, नहीं कंपनी का एड्रेस है, नहीं ईमेल आईडी, कोई कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लगे कि ये रियल में कंपनी का ऑफर लेटर है। आगे हम देखते हैं, देखिए डिटेल एम्प्लॉयर की देख लो भाई, कंपनी का नाम फिर दे दिया, एड्रेस भी दे दिया, आगे देखो माले मालदीव, आगे मालदीव ज़रूर लिखा है, टेलीफोन एंड फैक्स नंबर भी इसमें दिया गया, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, कंट्री रजिस्टर्ड कंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट मालदीव में है, कंपनी के बारे में इसमें बताया गया है। बाकी इस तरह से बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी भाई एजेंट हैं, बता सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। डिटेल ऑफ ऊपर एम्प्लॉयर का है, नीचे एम्प्लॉय का है, नाम बता दिया, उत्तर प्रदेश का बंदा है, करंट एड्रेस सेम एंड अबव, इसमें सेम एंड अबव लिख दिया, करंट एड्रेस की देने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस नंबर, केस ऑफ इमरजेंसी। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखो भाई, टाइटल सेटरिंग कारपेंटर लिखा है इसमें, देखिए सेटरिंग कारपेंटर में इस ये बंदा को जॉब मिला है। आगे बेनिफिट सैलरी की बात करें तो देखो $350, फूड मिलेगा, अकोमोडेशन प्रोवाइड, मेडिकल प्रोवाइड अंडर इंश्योरेंस में रहेगा। आगे आप देख सकते हैं भाई, बाकी वही है जो नॉर्मली तरीके से लिखा होता है, डेट ऑफ सैलरी पेमेंट बिफोर 5 तारीख से पहले सैलरी मिल जाती है, बाकी ये वहाँ का एड्रेस दिया गया है, 2 साल वर्क वैलिड रहेगा, वर्क स्टेटस परमानेंट है भाई वीज़ा इसका। देखो नीचे डिटेल ऑफ सिग्नेचर, मैनेजर, एचआर मैनेजर के साइन हैं, उनका नाम वगैरह है। उसके नीचे आप देखिए एक मोहर लगी हुई है, मोहर के नीचे एक एड्रेस देखोगे तो इसको एक तरह से ब्लर करके, धुंधला जिसको बोल सकते हैं, किया गया है ताकि बंदा कोई इस ऑफिस में यहाँ पर कॉन्टेक्ट न कर सके। तो ये ऑफर लेटर है भाई, ऑफर लेटर 100% फेक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बात हो गई, उसको बता दिया गया है। तो आपके पास भी ऐसे तरह के कोई ऑफर लेटर आ रहे हैं तो भाई देख लें, सोच लें, समझ लें, उसके बाद ही पैसा देने की सोचें। पैसा एक बार दिया तो दिया, वापस नहीं आएगा और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, इन चीज़ों से बचने की आपको सख्त ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय